पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो भाई सबसे इमोशनल करने वाला जो दृश्य है, सबसे इमोशनल सीन इस टाइम का तुम देख सको, शहीद भूपेंद्र सिंह चौहान के बेटा, जो 7 महीने का बेटा है, उनके द्वारा पार्थिव शरीर के दर्शन करवाए गए हैं। तो सबसे इमोशनल करने वाला दृश्य था भाई, यानी कि शहीद भूपेंद्र सिंह चौहान का जो 7 महीने का बच्चा है बेटा, उनके द्वारा चरण स्पर्श करवाए गए हैं पार्थिव शरीर के। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू, और इस टाइम भाई बांस रनीला गांव में पहुंचे हैं। और इस टाइम भाई तुम देख सको हो चुगरदे, बहुत जबरदस्त भीड़ हो रही है। और भाई एक पंक्तियां हैं, कुछ बल्ले शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो भाई बांस रानीला गांव से शहीद भूपेंद्र सिंह चौहान का पार्थिव शरीर लेकर आया गया है, और जिसकी वजह से जहां देखो परिवार की अगर बात करें तो परिवार में काफ़ी सदमे का माहौल भी है, और 4 दिन से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उत्तरी कश्मीर के बारामूला क्षेत्र की अगर बात करें तो वहां जो है ये घटना घटी, और 5 तारीख को हमारे जो शहीद हैं भूपेंद्र सिंह चौहान जो है वो शहादत को प्राप्त हुए, और आज जो है 9 तारीख उनके पार्थिव शरीर को लिया गया है और उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा राजकीय सम्मान के साथ। और उसके लिए तो हम देख सको पूरा पाकिस्तान की इस कायराना हरकत की वजह से जो हमारा जो भूपेंद्र सिंह चौहान जो फौजी है, आर्मी का जो जवान है, जो शहीद हुआ है, उसकी शहादत के ऊपर आसपास के 122 गांव के जो लोग हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, और जन सलाब भेड़ के अंदर बात करें उनका आग्रह तिल के नबी जंगा को नहीं, और पूरा राजकीय सम्मान के साथ भूपेंद्र सिंह चौहान का भी अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसमें कि बड़े बड़े दिग्गज पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक यानी कि दादरी के विधायक की बात करें, सांसद धर्मवीर की बात करें, और बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, तो वह मौके पर पहुंच रहे हैं। और जो शहीद भूपेंद्र सिंह चौहान है उनका पार्थिव शरीर गाँव की परिक्रमा करवाई गई है, उसके बाद जो है गाँव की ये शमशान भूमि है जीत जो है बड़े राजकीय सम्मान के साथ तिरंगा में लपेट के जो उनके पार्थिव शरीर को लेकर आया गया है, और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होने लग रही है। और भीड़ की अगर बात करें तो आसपास के 122 गांव माँ के जो लोग हैं वो उनकी शहादत का मौके पर पहुंचे हैं। 5 तारीख की घटना, यानी कि 5 सितंबर की वह घटना जिसमें शहादत शहीद भूपेंद्र चौहान बास रानीला हरियाणा का ही गांव गर्व से सीना चौड़ा हो गया हमारा, और पाकिस्तान की कायराना हरकत की वजह से जो शहादत मिली अपने फौजी भाई को, तुम देख सको हो पूरा गांव जो है, न केवल पूरा गांव बल्कि पूरा हुजूम, आसपास के गांव के लोग भी मौके पहुंच रहे हैं, और आज उनका पार्थिव शरीर लिया गया है। और भाई थोड़ा बचिए, तुम देख सको पूरे सम्मान के साथ, पूरे सम्मान के साथ जो है इनका अंतिम संस्कार कर जा रहे हैं। तो कोई भी एक माँ जो है उसके लिए बहुत बड़ी, यानी जिसका उसका जो बच्चे को उस वीर को जन्म देना उसके लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। तो हम देख सको पुलिस के जवान भी मौके पर मौजूद हैं, और शहीद का शहीद भूपेंद्र चौहान का पार्थिव शरीर को लिया गया, तो हम देख सको ये पूरा राजकीय सम्मान के साथ गाँव बास रसीना में आज उनका अंतिम संस्कार, गाँव बास रनीला में आज उनका अभी अंतिम संस्कार पूरा राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। और हम देख सको ये दृश्य, और पाकिस्तान की तो कायराना हरकत है लेकिन हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। तो ये सीन यानी कि हम लाइव जुड़ रहे हमारे के लिए, और बहुत बड़े गर्व की बात है यार।
शहीद भूपेंद्र चौहान जिन्होंने ना केवल अपने गांव का नाम रोशन कर दिया, ना केवल अपने हरियाणा का नाम रोशन कराया है, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर दिया भाई। और ये मतलब भीड़ की अगर बात करें, कैमरा मैन दिखूंगा चौकरदा दिखा दे एक बार, मतलब बहुत जबरदस्त हुजूम। आसपास के गांव के लोग भी इकट्ठा हो रहे हैं और बड़ा राज के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। और ये काम सीधी तस्वीर देखने लग रहे हो, संसार क्रांति पर इस टाइम सीधी तस्वीर देखने लग रहे हो। बड़े प्रशासनिक अधिकारी सांसद धर्मवीर जी और बड़े अधिकारी हैं मौके पहुंच रहे हैं और हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है यार। और पाकिस्तान के लिए बहुत कायराना हरकत कहेंगे, क्योंकि उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में यह घटना घटी, 5 तारीख की घटना, जिसमें कि हमारा फौजी भाई भूपेंद्र चौहान जो है वो शहीद हो गया, शहादत को प्राप्त हुए और उनको पूरे सम्मान के साथ आड़े लिया गया उनके पार्थिव शरीर को। अनिल और राजकुमार नेक्स्ट सर्विसमैन जो दो आदमी हैं उनका ये पार्थिव शरीर है जिनको आड़े लिया गया पार्थिव शरीर को। अनिल और राजकुमार भाई अंदर आओ एक बार जल्दी फटाफट। हरियाणा का गाँव बास रानीला और बास रानीला के ग्रामीण और आसपास के गांव वाले भी तुम देख सको हो, यानी एक फौजी के शहीद होने पर एक क्रांति ने जन्म ले लिया। तो एक किस्म का ये जो तस्वीरें पाकिस्तान को भी दिखाना चाहेंगे, शहीद का राजकीय सम्मान करते हुए भारत माता की जयकारों से गुंजायमान पूरा आकाश और पूरा राजकीय सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी जा रही है। ये बारामूला में कुपवाड़ा सेक्टर में ये अपनी संतरी पोस्ट पे तैनात है, बिल्कुल 15 मीटर सामने से हमला हुआ है और पूरा नाभि से ऊपर का हिस्सा पूरी तरह से उड़ गया है। हमला कौन से हथियार तक गया? ग्रेनेड उधर गोला बारूद जो भी फेंकते हैं वो घोषते हैं वही फेंका गया है। 4 सितंबर की रात। मैं राजवीर सिंह गांव बास रानीला से हूँ और भूपेंद्र हमारा पोता लगता है और इसके मैं उसका दादाजी हूँ। और ये अभी नौ गाँव में ऊपर पोस्ट पर पोस्टिंग था और ऊपर क्या है कि पाकिस्तान का 81 का स्प्लेंडर का बम पड़ा है। पहला बम पड़ने से गिर गया, दूसरा रिपीट बाइट दूसरा आ गया, उसने उसकी पूरी बॉडी को खंडा दिया। इसके साथ में 2 जवान और थे, वो दोनों भी घायल कर दिए। इसके परिवार में मतलब इनके पिताजी हैं, इनका एक छोटा भाई है जो भर्ती होने लायक है, अभी बच्चा भी जैसे अभी एक इनका लड़का है जो 7 महीने का है, 7 महीने और घर की हालत भी मतलब इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। यदि गवर्नमेंट इसके लिए कुछ भी चाहे तो गवर्नमेंट इसका ज्यादा ज्यादा वेलफेयर मतलब करना चाहिए। दर्जा तो मिलेगा, इसका शहीद का दर्जा मिलेगा, शहीद की मतलब कुछ एक वो है, एक्चुअल शहीद है, शहीद का दर्जा है, इसकी शहीद की वो बननी चाहिए मेमोरियल और इसके नाम से कुछ न कुछ काम में ग्राउंड में कुछ न कुछ ग्राउंड बने और कुछ भी बने। दूसरा सबसे बड़ी बात है इसके जो आर्थिक सहायता है इसको वो जरूर से जरूर दिलाई जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी रिक्वेस्ट मतलब हर चैनल से है, हर चैनल यही प्रोवाइड करे कि इसकी ज्यादा से ज्यादा सहायता करी जाए और ज्यादा से ज्यादा इसका वो करा जाए। धन्यवाद। तो सबसे इसका पूरे गांव में पूरे गुहाण में इतना शोक है जिसकी 4 दिन से किसी गांव में किसी आदमी ने भी ढंग से खड़ा नहीं खाया है, गुहाण में किसी ने खड़ा नहीं खाया है, अभी इसका कुछ भी नहीं हुआ है। और ये प्रशासन भी आज ही आया है, आज से 4 दिन पहले प्रशासन भी कोई भी नहीं आया। यानी शहीद भूपेंद्र सिंह चौहान का जो ये बलिदान है ये व्यर्थ नहीं जाओगा भाई। तो हम देख सको पूरा गाँव में जुनून है, जोश है, जज्बा है और गाँव वाले भी अड़े इकट्ठे हो रहे हैं। इसे गाँव से भाई तो आस पास के गाँव के लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रखे, बोंद माजरा चीना नया गाँव पिलाना सब हो रखे जी। क्या नाम भाई तेरा? हितेश भाई, जिस तरह से शहादत हुई है यार, तो इससे नौजवानों में क्या संदेश गया? नौजवानों में संकेत यह है जी कि हम भी आगे करके देश के लिए कुछ करें और भूपेंद्र हमारा भाई था जी, हम भी आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, देश के लिए जीना चाहते हैं। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सबक है भाई, यानी कि जो हमारा एक फौजी जब शहीद हुआ है तो नई क्रांति जन्म लेवा है, नई क्रांति को जन्म देवा है एक एक हमारा जो फौजी है। और तुम देख सको इस जो हमारा जो जवान है जो भूपेंद्र सिंह चौहान आर्मी का ये जो जवान है, इनकी जो शहादत है ये व्यर्थ नहीं जाओगी, एक नई क्रांति को जन्म दे दिया और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सबक है ये। हाँ जी, क्या नाम जी? मैं उल्दा श्यामलाल, एक सर्विसमैन फ्रॉम यमी। कौन सा गांव जी आपका? मेरा यही गांव है। अच्छा, तो जिस तरह से पाकिस्तान की जो ये कायराना हरकत है जिसकी वजह से हमारा एक जवान जो है शहादत को प्राप्त हुआ है, पाकिस्तान के लिए क्या कहना चाहोगे? पाकिस्तान के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा एक जवान शहीद हुआ है, आज भी हमारे
युवाओं के अंदर, बच्चों के अंदर इतना जोश है कि हम हजारों की तादाद में जाने के लिए तैयार हैं और देश की रक्षा के लिए तत्पर हाजिर हैं। जब भी देश को जरूरत होगी हम बिल्कुल और बिल्कुल अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। 122 गांव आ गए, 22 गांव आ गए तो बहुत बड़ी बात है भाई। एक हमारे एक छोटे से गांव का एक नौजवान शहादत को प्राप्त हुआ है और 122 गांव इकट्ठे हुए हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सबक है ये। अगर भाई उनकी जो कायराना हरकत है उस कायराना हरकत की वजह से भी अपने देश में क्रांति जन्म लिया है, मतलब बहुत भारी जनसैलाब। क्या आपका क्या नाम है? नाडे पहलवान। नाडे पहलवान, मैं माजरा गांव से हूँ, नाडे पहलवान। अच्छा, भाई बहुत ही अच्छा था और नौकरी लगे भी 5-4 साल हुए थे, शादी हुए कुल 1.5 साल हुआ था, 7 साल हुए थे, 7 महीने का इनका लड़का एक, तो भाई खूब बढ़िया भाई थे लेकिन हमने नहीं पता था भाई कैसे हरकत हुई। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। ये धुन जिसको सुनकर अपने रोंगटे खड़े हो गए। ये देश का एक नौजवान भारत माता की रक्षा करते हुए शहीद हो गया और जिसमें तम देख को बड़े दिग्गज भी इस मौके पर पहुँच रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी और बिल्कुल तो विधायक सोमवीर सांगवान और राजदीप फोगाट जी हैं, धर्मवीर हैं सांसद और भी मतलब जो है काफ़ी शासन और प्रशासन यानी कि उसके आला अधिकारी दोनों तरह के वो इस मौके पर पहुंच रहे हैं भाई। तो जो भी हमारे दर्शक इस टाइम लाइव जुड़ रहे हैं उन तो मैं नहीं कहूँगा, अभी कमेंट बॉक्स में जय हिंद का नारा बड़े गर्व के साथ लिखें और ये जो दृश्य है हमारे को सीधी सी बात है गौरवान्वित करने वाले, स्वाभिमान जागृत करने वाले दृश्य हैं ये। तो भाई तो हम देख सको बड़े बड़े जो दिग्गज हैं वो श्रद्धांजलि देने खातिर पहुंच रहे हैं, जिसमें कि पूर्व विधायक भी हैं और वर्तमान विधायक भी हैं, सांसद धर्मवीर की बात करां या फिर राजदीप फोगाट की बात करां या दादरी के जो विधायक हैं सोमवीर सांगवान की बात करां, सतपाल सांगवान और काफ़ी मतलब जो है ना आला अधिकारी तो हम देख सको श्रद्धांजलि देने लग रहे हैं अपने शहीद भूपेंद्र सिंह चौहान को, जिन्होंने देश का सीना जो है वो गर्व से चौड़ा कर दिया और तम नूने सामी देखने लग रहे हो आर्मी की जो गाड़ी जिसमें कि शहीद भूपेंद्र सिंह चौहान के पार्थिव शरीर को लेकर आया गया है और फिर जो है पूरे गांव के की परिक्रमा जो है वो करी गई है पार्थिव शरीर के साथ। भाई शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो तम देख सको भाई एक शहीद के लिए बड़े गर्व की बात है कि वो अपना अपनी ड्यूटी पूरा करता होया वीरगति को प्राप्त होया और पूरे देश का प्रदेश का और अपने गांव का नाम रोशन कर दिया। और भीड़ की अगर बात करें तो आश्चर्यजनक भीड़ है, आश्चर्यजनक भीड़ है, मतलब कोई उम्मीद नहीं लग गई थी कि इतनी भीड़ हो जाएगी। हरियाणा के एक छोटे से गांव बास से वीरगति को प्राप्त हुए भूपेंद्र सिंह चौहान का पार्थिव शरीर जिस तरह ही गाँव में पहुँचा, 5 तारीख की यह घटना और आज 9 तारीख है और मतलब एक लंबा इंतज़ार भी कराया गाँव वाले ने भाई पार्थिव शरीर कब आओगा, क्योंकि कुछ प्रक्रियाएं हैं जिन तय गुजार कर जीवे जो है आर्मी के जवान का जो पार्थिव शरीर है वो परिवार को सौंपा जावे है और मतलब हर नौजवान के चेहरे के ऊपर एक नू का इसका एक स्वाभिमान है। अब भाई मारा जो फौजी भाई है उसने हमारे गाँव का नाम रोशन कर दिया, हमारे प्रदेश का नाम रोशन कराया और हमारे देश का नाम रोशन कराया, तो ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। संसार क्रांति समूह भी उस दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि भी देवे है और भाई हमने भी गर्व है कि हमारे देश में स्त्रियों के जो जवान हैं जो आर्मी के जो जवान जो हैं पूरे मान और सम्मान के साथ शहीद भूपेंद्र सिंह चौहान के पार्थिव शरीर को लेकर आए हैं, उनसे उस सारी घटनाक्रम के बारे में पूछेंगे किस तरह का क्या घटनाक्रम, सर कब की ये घटना है और किस तरह से जो आपने जो वीर जो जवान है वो शहादत को प्राप्त हुए। गनर भूपेंद्र सिंह 327 मीडियम रेजिमेंट नौगांव सेक्टर जम्मू कश्मीर में पोस्टेड थे। नौगांव सेक्टर में एक ओपी पोजीशन के ऊपर इनकी तैनाती थी। 5 सितंबर 2020 को करीबन सुबह 9:30 बजे जब भारतीय आर्मी की तरफ से सीएफई होने वाली थी और पाकिस्तान आर्मी की सीएफई का जवाब देने के लिए ये तैनात थे, उसी समय दुश्मन का एक गोला आकर
भारतीय आर्मी की पोस्ट पे जहाँ पे गनर भूपेंद्र सिंह पोस्टेड थे, तैनात थे, वहाँ पे अंदर घुसा और गनर भूपेंद्र पोस्ट पे लड़ते हुए शहीद हुए। अच्छा, किस पोस्ट पे थे ये और कितने दिन से मतलब ड्यूटी ज्वाइन इन्होंने कब की थी? ये 2015 से भारतीय आर्मी का हिस्सा है, 327 मीडियम रेजिमेंट का हिस्सा है और मई 2017 से जम्मू और कश्मीर में पोस्टेड है। आपका पूरा नाम जी? मेरा नाम मेजर प्रिंस जॉय फर्नांडिस है, मैं गनर भूपेंद्र की यूनिट 327 मीडियम रेजिमेंट का बैटरी कमांडर। तो मेजर साहब, पाकिस्तान को जैसे जो सबक सिखाने की जो बात है इस कायराना हरकत के लिए, किस तरह की तैयारी आर्मी की तरफ से, किस तरह का जवाब दिया जाएगा, क्यों कर जो है ना उसको कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, गनर भूपेंद्र की जो शहादत है वो बिल्कुल भी खाली नहीं जाएगी और इसका बदला जरूर लिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई ये मेजर जिन्होंने पूरी जानकारी दी, भाई भूपेंद्र सिंह चौहान है शहीद, भाई किस तरह की घटना कैसे घटी थी और क्यों कर वो कार्रवाई हुई है और इसके ऊपर आगे एक्शन का रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि जो कुछ चीज़ें हैं जिनको मीडिया के सामने भी सारी जानकारी नहीं दी जाती और एक्शन का रिएक्शन क्या होगा उसका भी बहुत जल्द बिहार पड़ेगा। नहीं, प्लास्टिक तो खोल दो जी, प्लास्टिक तो खुलवा दो सर, ना सही कहे हैं। शहीद की यह जो शहादत है वो व्यर्थ नहीं जाओगी किसी तरह भी और पाकिस्तान की जो कायराना हरकत है उसका जो सबक है वो इंडियन आर्मी बहुत अच्छे तरीके से देगी। बास तो बास रानीला गांव में जिस तरह तुम देख रहे हो पार्थिव शरीर को मुखाग्नि के लिए सारी जो है तैयारियां कर दी गई हैं और कैमरामैन ती कहूँगा उस एंगल पर खड़ा हो जाए और शुक्र धन्यू देख लियो 122 गांव के लोग भी हैं और एक तरफ तो आर्मी के जवान की टुकड़ी है और एक तरफ हरियाणा पुलिस के जवान हैं और रिट्रीट सेरेमनी के माध्यम से यानी कि हवाई फायर करके और सलामी दी जाओगी शहीद को सलामी देने की जो प्रोसेस है फौज के द्वारा और पुलिस के द्वारा। उनके चाचा के लड़के हैं तो विष्णु भाई, किस तरह मामला, यू घटना कैसे घटी थी, क्यों करके मामला था? नमस्कार जी, ये चौधरी भूपेंद्र सिंह ये चौहान जो ये हुए हैं शहीद, हमारे देश का नाम रोशन किया है, ये 327 मीडियम रेजिमेंट कुपवाड़ा में पोस्टेड थे। तो जो पोस्ट थी रामनगर वाली, वहाँ पे तीनों साइड पाकिस्तान लगता है, जहाँ से वहाँ टेररिस्ट की तरफ से एक मोर्टार आरएल का फायर आया जिसमें वो शहीद हो गए। ये 5 तारीख को हुआ था। फिर इनकी बॉडी को 92 बीएच श्रीनगर में पोस्टमार्टम और बाकी की डॉक्यूमेंटेशन एंड मेडिकल के लिए लेके जाया गया। उसके बाद में फिर दिल्ली बेस हॉस्पिटल में रखा गया कल शाम को और आज यहाँ पे हमला बहुत नज़दीक तो है। हमला कुल में 30-35 मीटर की जो डिस्टेंस है उसके बारे में बताया जा रहा है। टाइमिंग के थी रात को दिन को किस करके हमला? ये मॉर्निंग में जो 9-10 बजे के आसपास का जो टाइम था उस टाइमिंग में ये हुआ और वो ये कोई कायर के जैसे वो नहीं था, सामने का फायर था। इन्होंने भी जवाबी कार्रवाई की बट उन्होंने पहले वो राउंड फायर कर रहे थे बट उन्होंने सीधा आरएल फायर मोटर का फायर किया जो इनसे टकरा गया और इनके साथ ये हादसा हो गया। अच्छा विष्णु जी, कुछ सस्पेंस भी है, कुछ लोग तो नहीं सोच रहे आतंकी हमला है, कुछ लोग सोच रहे हैं कि आर्मी की तरफ से अटैक था।
पाकिस्तान देखो जी, ये क्या होता है कि आपको भी पता है और हमारे पूरे भारतवासियों को पता है कि पाकिस्तान अपनी नाकामियों से कभी बाज नहीं आएगा। उनके आतंकवादी में और फौज में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, इसलिए हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ये आतंकवादी था या ये था, क्योंकि वो दोनों एक ही वेशभूषा में रहते हैं। इसलिए सबसे बड़ी हानि हमें अपने भाई को खोके हुई है, लेकिन फिर भी हमें गर्व है कि हमारा भाई हमारे देश के काम आया। आप तो बचपन से उनके साथ रहे, आपके गांव के चाचा के लड़के हो आप, तो नेचर वाइज किस तरह था देशभक्ति का जज्बा? बहुत शांत स्वभाव का था, कोई किसी तरह का किसी के साथ द्वेष भावना कुछ नहीं। डेडिकेटेड ड्यूटी के प्रति डेडिकेटेड था, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करता था। उनके फादर के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। क्या नाम उनके पिताजी का? उनके पिताजी का नाम श्री मलखान सिंह है और वो फार्मर हैं। कितने भाई? वो दो भाई है, एक छोटा भाई ऑलरेडी आर्मी की तैयारी कर रहा है, दीपक, वेल एजुकेटेड है, ट्वेल्थ कर ली है, एजुकेशन कर रहा है। उसकी वाइफ भी वेल एजुकेटेड है। तो मैं बताना चाहूँगा, उनके फार्मर एक अनएजुकेटेड होते हुए भी उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी या किसी से लोन लेके, अमीरों से, बड़े जमींदारों से या बैंक से लोन लेके उन्होंने अपने बच्चे को इस लायक बनाया ताकि उनका बच्चा देश के काम आ सके। पूरे जीवन की कमाई, पूरे उनके माँ बाप की नहीं, पूरे हमारे गाँव की कमाई थी वो। पूरे गाँव ने हमारा अपना एक लाल खोया है, इस चीज़ का हमें गम है। लेकिन साथ के साथ हम नम आँखों से उनको श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं और गर्व भी महसूस कर रहे हैं कि ये हमारा भाई, हमारा गांव का लाल भारत रक्षा के काम है। विष्णु जी, पाकिस्तान की इस कायराना हरकत की वजह से किस तरह की सावधानी की और ज़्यादा जरूरत आ गई? पाकिस्तानी की इस कायराना हरकत से आपको पता है कि आज का जो दौर है, सेना को दबाव में नहीं रखा जा रहा है, खुली छूट दी जा रही है। मुंह तोड़ कार्रवाई उन्होंने भी की है, उनके भी जो जवान है या टेरिस्ट थे वो भी घायल हुए, मरे भी हैं। तो हमें ये नहीं बोल सकते कि हमारे जवानों ने कोई कार्रवाई नहीं की, मुंह तोड़ कार्रवाई की। और उनका एक तोफखाना जो था, तेल का टैंक था, अच्छा, वो भी इन्होंने उड़ाया भूपेंद्र सिंह के नाम से, क्योंकि उन्होंने भी फायर किया था पहले, फिर इन्होंने भी फायर किया, बट उन्होंने सडनली राउंड से आरएल फायर किया, पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया था। बिल्कुल जी, धन्यवाद विष्णु जी। तो भाई, जो सारी डिटेल में जो जानकारी प्राप्त हुई है, यानी पाकिस्तान की जो यह कायराना हरकत है, सीज फायर का जो उल्लंघन किया गया, और फिर जो हमारे जो शहीद भूपेंद्र सिंह चौहान, जो जिनकी शहादत बेकार नहीं जाओगी, और तुम देख सको हो किस तरह जो है पूरे आसपास के गांव उमड़ रहे हैं, आसपास के नौजवान उमड़ रहे हैं पाकिस्तान की कायराना हरकत की वजह से। जो हमारा जो जवान शहीद होया है, उस जवान के शहीद होने से जिस क्रांति ने जो जन्म लिया है, वो बहुत बड़ी बात है और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सबक भी है। और जो अभी कार्रवाई की अगर बात करें तो तुरंत भी करी गई है, और आज ई भी मौके पर भी हमारी जो है बड़े अधिकारियों से भी बात हुई है, उन्होंने भी बहुत सख्त जो एक्शन का रिएक्शन की बात कही उन्होंने, और इसका जो है ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात कही है। तो भाई, इस वीडियो ने ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि भाई यू जो बलिदान है, जो भूपेंद्र सिंह चौहान का बलिदान है, यू व्यर्थ नहीं जावे, यू मारे भीतर जोश, जज्बा और जुनून पैदा करे। गांव बास रानीला में शहीद भूपेंद्र सिंह चौहान को श्रद्धांजलि दी गई, अंतिम संस्कार मुखाग्नि दी गई, और उनके पिताजी इस्टे मार्गेले मौजूद हैं, मलखान सिंह। तो मलखान जी, मतलब ये जो आपके बेटे की जो शहादत है, देश को के संदेश गया है, और आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहोगे इस दुखद मौके पे? ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारा लड़का देश के लिए शहीद हुआ है, और हम बड़ी इसकी सराहना करते हैं। ये तो मतलब आपके कितने बेटे हैं? दो लड़के हैं, एक भूपेंद्र, एक दीपक। दीपक, तो हमने न्यू जानकारी मिली है भाई, आपका जो दूसरा बेटा वो भी आर्मी की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल, आर्मी की तैयारी कर रहा है। तो इस घटना तो आपने न्यू नहीं लगा कि मतलब एक बेटा शहीद हो गया? बिल्कुल नहीं, हम तो बदला लेने की तैयारी पकड़ रहे हैं। मतलब जोश जज्बा जुनून बरकरार? बिल्कुल बिल्कुल। आपके पिताजी का क्या नाम है जी? साधु सिंह। तो जो आर्मी में जाने की जो परंपरा, ये कब से आपके परिवार से शुरू? यही से शुरू हुई। अच्छा, भी थे आर्मी। कब, इन कितने साल हो गए थे ज्वाइन करने? इन जी 5 साल के लगभग हो गए। अच्छा, और शादी कब हुई थी इनकी? शादी 18 महीने, डेढ़ साल शादी को हुआ था। बच्चे? बच्चा 7 साल का एक बच्चा है। 6 महीने का बच्चा। तो मतलब ये सबक, मतलब जैसे पाकिस्तान को सबक सिखाने की अगर बात है, देश तक की अपील है आपकी, इस मौके पर देश तक की अपील करना चाहोगे? बिल्कुल जी, सब पाकिस्तान से सबक सिखाने के लिए हमारा लड़का आर्मी में होना चाहिए। बिल्कुल जी। तो भाई, तो हम देख सको हो एक पिता जो जोश जज्बे और जुनून है उनके अंदर। तो इसे गाँव के और भी व्यक्ति मौजूद है हमारे लिए। क्या नाम है जी आप? सुरेंद्र सिंह चौहान। सुरेंद्र जी, यू जो घटनाक्रम, जो 5 तारीख की जो है घटना, जिसने कि एक हमारे आर्मी के जवान को शहीद कर दिया, भूपेंद्र सिंह चौहान को, कि एक सबक से क्या हुआ घटना? मैं सर्वप्रथम तो इस एरिया की तरफ से हमारे भतीजे स्वर्गीय श्री भूपेंद्र सिंह जो शहीद हुए हैं, एक तो बहुत मोटा दुख भी है हमें कि हमारा लाल गया, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा
गर्व की फख्र की बात है हमारे गांव के लिए कि हमारा एक लड़का हमारे देश के काम आया। और हर युवा वर्ग में जो आपने जोश देखा भी होगा, हर छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक इतना जोश है कि सब बदले की भावना चाहते हैं, सब में क्रांति की भावना है कि हमारा जो लाल शहीद हुआ है उस शहीद का हम बदला लें। और हमारे युवा ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी भर्ती होना चाहते हैं और हमारे लाल की जो शहादत है उसका बदला लेना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं जोश भी थोड़ा सा देखना चाहूँगा, हालांकि जोश देखने का और भी टाइम था, लेकिन उस टाइम जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही थी, मैं पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लूंगा तरेंद्र, मैं न्यू देखना चाहूँ जोश कितना है। और यह पाकिस्तान मुर्दाबाद का बिल्कुल, और यह आवाज़ जो है वो पाकिस्तान की आर्मी के अंदर है ना, एक भूकंप पैदा कर दे, एक डर पैदा कर दे, खौफ पैदा कर दे और आगे इस तरह की कायराना हरकत ना करे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो भाई ये जो नारे हैं ये पाकिस्तान की जो आर्मी है उसमें दहशत पैदा करेंगे और पाकिस्तान की जो कायराना हरकत थी जिसकी वजह से हमारा आर्मी का एक जो जवान भूपेंद्र सिंह चौहान जो शहीद हुआ है वो उनके लिए बहुत बड़ा सबक भी बनेगा और उनको इसका एक्शन का रिएक्शन भी देखने मिलेगा। तो इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाई। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या असुर, नहीं तो जननी बांध रे काहे गवाए नूर। तो भाई इस वीडियो ने शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा।